हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 का सोल्व पेपर। और देखिए, जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, किन किन सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपके बीएड एंट्रेंस के अंदर रिपीटेड भी होते हैं। और देखिए, आपको जो है अगर जीएस में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने होंगे। और आने वाले समय में हम जितने भी यूपी बीएड एंट्रेंस के पेपर हुए हैं उन सभी को सोल्व करने वाले। इससे पहले देखिएगा, हम इससे पहले देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी करते हो, यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की भाई आपकी जो है बुक आ चुकी है, और बुक के साथ साथ आपका जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह इसमें, तो इसमें आपको जो है 6 सोल्ड पेपर मिलेंगे पिछले वर्षों के, और लगभग 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलने वाले। और ये जो पूरा का पूरा ये बुक और आपका जो प्रैक्टिस सेट आपका पूरा कला वर्क के लिए जो है तैयार किया गया बहुत ही अच्छे से, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। 2022 का जो पेपर वगैरह है ये सारा का सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इस बुक के अंदर आपको जो है सब्जेक्ट वाइज देखिएगा, आपको जो है क्वेश्चन और आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का, यहाँ पे देखिएगा स्टडी बुक के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस सेट, जो इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और 6 सोल्ड पेपर, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें 21 प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले। और देखिएगा परीक्षा से पहले पिछले वर्षों के जो आपके पेपर हैं वो देखना बहुत ही जरूरी, इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा जो आप इस वर्ष जो है आप परीक्षा देने वाले। चलिएगा, तो आप जो है इस स्टडी गाइड बुक और आप प्रैक्टिस सेट को आप जो है मंगा सकते हैं, और इसका जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको जो है ले लीजिएगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो ये किया गया था भैया आपका सन 2000 में, 2000 या 2001 में आपका। ये भी देखते जाना कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। ये जो आपका सब्जेक्ट है देखिएगा, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है भैया आपका पेस्ट के लिए। और देखिए कंप्यूटर के जो है ना तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन? तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार आपका, तो आपको कंप्यूटर भी अच्छे से करना है आपको, ठीक है, और जितनी भी की वगैरह ये अच्छे से याद कर लेना इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीन यहाँ पे पूछा गया, इसमें भार जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है भाई इसमें? तो इनमें जो है आपके ये दिलाते भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन दिलाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। इसमें अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं, और जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल को दिलाते हैं आपके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको जो है दिलाते हैं। और बाकी ये अगर बात की जाए नियुक्ति की, नियुक्ति करते राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया इसमें, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है, मौलिक अधिकार की जो चर्चा किस भाग में की गई, किस अनुच्छेद में आपका की गई? अगर आपको ये भी पता तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई भाई आपकी इसमें, ये की गई आपके भाग तीन में, किस में की गई? आपके भाग तीन में या अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अगर बात की जाए देखिएगा जैसे भाग दो है, तो इसमें जो बात की गई आपकी नागरिकता की बात की गई है, तो अच्छे से ना जो भी आपके टॉपिक है ना ये पूरा करवाए गए अच्छे से प्लेलिस्ट में देख लेना नागरिकता। इसके बाद तीन में क्या है आपका? तीन में है अधिकार की बात, मूल अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर चार में की गई है नीति निदेशक तत्व, और चार कैम में की गई है आपके कर्तव्य की। तो देखिएगा पूरा लिंक करके हमने पढ़ा है, जैसे नागरिकता है, नागरिकता रह है इसमें तो दो हो गया, जैसे तीन है तो तीन, अधिकार हो गया ए, किसके जैसे लग रहा है ए तीन जैसे आपका, चार क्या है कैसे हो जाएगा आपका कर्तव्य, ठीक है, अच्छे से पूरा जो डिटेल है वो भी देख लेना। जैसे मूल अधिकार कहाँ से ले गया आपका? अमेरिका से। मूल कर्तव्य रूस से आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच आपका, क्वेश्चन नंबर पांच में है इसमें भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है आपका परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000। क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है भाई आपका, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें छह पूछा है, लिनक्स क्या है आपका? ये तो ये है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो इनपुट सिस्टम है, आउटपुट है, इनपुट जो है
क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो आप सारे के सारे देख लेना, यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भाई आपका 8, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैंने इसमें नहीं लिए, क्योंकि वो तो 2020 का अब वैसे भी नहीं आएगा। इसमें बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, तो ये किया था आपका लॉर्ड वारेन हस्टिंग्स ने किया था। अगर बात की जाए इसको जो है किसने शुरू किया, शुरू किया था ये देखिएगा लॉर्ड क्लाइव ने। अगर इनके बारे में क्वेश्चन और देखे जाए, जैसे डलहौजी के बारे में क्वेश्चन हर बार आता है कि ट्रेन जो है किसके समय चली, तो ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई ठाणे के बीच में। और हड़प नीति किसकी थी, व्यापगत नीति किसकी थी, ये आपका डलहौजी की थी। इसमें किन किन को हड़प लिया गया था इनके द्वारा, सतारा, संभल, उदयपुर, झांसी और अवध को जो है कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया गया था, ठीक है। चलिए, और जैसे कार्नवालिस है, कार्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो मैंने करवाए, प्लेलिस्ट में देख लेना इनको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो टॉपिक से आएगा। अगर आपके टॉपिक क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सच में आप बहुत बेस्ट कर जाओगे आप। चलिए, आपको ये नहीं देखना कि कितना टारगेट करना, पूरा का पूरा आप करके आओगे। चलिए, इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है, तो ये है भाई आपका ई ज्ञान है, इग्नू है ना। इग्नू जो है आपका अलग अलग पूरे ये जो कोर्स भी करवाता है इग्नू से, जैसे बीए और जितने भी बहुत सारे कोर्स है आपके इग्नू को द्वारा करवाए जाते हैं, वो देख लेना आप इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, सॉरी आपका, सॉरी मतलब ठीक है, ये महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ये आपकी दीपिका कुमारी, ये हो जाएगा तीरंदाजी से है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछा है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। डोगरी, डोगरी हो जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर से, किसकी है ये आपकी जम्मू कश्मीर की है। और ये देख लेना, देखिए भाई भाषा से रिलेटेड ना जितने भी अलग अलग, जैसे अंग्रेजी कहाँ की है, और जैसे आपका मेघालय नागालैंड में जो है अंग्रेजी यूज की जाती है, और हिंदी कितने राज्यों की है, और अब वर्तमान में कितनी है, जैसे 22 से पहले कितनी भाषा थी, ठीक है, संविधान में शामिल 14, अब कितनी है 22 है, ये देख लेना 22 की 22 कौन कौन सी है, ठीक है। और इसमें 3 संशोधन हुए आपके, 21वां, 71 और आपका 92वां, 21, 71, 92, ठीक है, ये आपके संशोधन है। अगर बात की जाए इसकी अनुसूची की, तो अनुसूची 8 कौन सी हो जाएगी, अनुसूची ये हो जाएगी 8, ठीक है। अगर भाषा है, जैसे भाषा को लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज अगर आप गिनोगे LANGUAG कितने आएंगे, 8 आएंगे, तो सीधा सीधा हो गया। अगर बात की जाए भाग किस में चर्चा है, भाग में, तो ये है भाग 17 में। 17 को अगर देखिए 1 + 7 कितना करोगे, 8 करोगे, और 8 तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज के गिनोगे तो 8 बैठेगा ये, ठीक है। अच्छे से पूरा टॉपिक करवाया मैंने, देख लेना उसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13, अफ्रीका भाषा का मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, वो आपका किया जाता है भाई आपका दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में आपका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इसमें। और देखो जैसे थोड़ा सा ये भी देख लेना कि जैसे ये आपका, थोड़ा स्केच कर रहा हूँ मैं इसको, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पे आपका ये यूरोप, और ये थोड़ा सा जो इधर हिस्सा है ना वो आपका एशिया, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये उत्तर साइड में उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण में, तो ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे जो है ये आपका ये है अफ्रीका, ये इस ऐसे जो है आपकी तीनों की तीनों जो रेखा है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, तीनों गुजरती, यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नीचे थोड़ा साइड में वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये हो गया उत्तर साइड और आपका दक्षिण है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 इसमें है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ, ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 2005 में, याद रखिएगा 5 में हुआ था ये आपका, ठीक है। और इसको देख लेना थोड़ा सा, जैसे रोजगार गारंटी है, गारंटी ई की आवाज़ निकल रही, ई क्या होता है, ई 5 होता है, तो ज़्यादातर आपको देखो हर बार ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा ई किस में आ रहा है, ई इसमें आ रहा है, आ रहा है इसमें भी, लेकिन जब एक दो बार याद करोगे जो योजना वाला टॉपिक है वो देख लेना इकोनॉमिक्स का, वो क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये है, एडोसेट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16 ये हो जाएगा आपका,
सितंबर 2004 राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते भाई आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये करता है भाई आपका अग्नाशय, देख लेना इसको, अग्नाशय या पैनक्रियाज आपका। और ये जो है अंतः एवं बाह्य दोनों यानी कि मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। इनके बारे में देख लेना, यकृत को कहते हैं लीवर वगैरह, ठीक है, ये सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। पित्ताशय देख लेना, तिल्ली देख लेना, इसको प्लीहा कहते हैं आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, ये आपका संविधान का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिएगा भाई, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? पहले कितनी थी? पहले 14 थी, अब कितनी वर्तमान में? ये है 22 आपकी, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन राइट क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत आपका देखिए ऐसा ही पेपर आता है, बस ये थोड़ा आपको जो है ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वो क्लियर करने होंगे। और पूरा संविधान पूरा मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट में आपका पूरा टॉपिक वाइज डालूंगा, वो देख लेना आप अच्छे से। चलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता ये कौन है भाई आपकी? ये है कर्णम मल्लेश्वरी है। और ये इसमें ना पूरे पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा आएगा क्लीन बोल्ड होने वाला है, जो हर एक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, कोई सी भी परीक्षा हो आपकी आगे जाके, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, टेट सी टेट आपका सुपर टेट हो, या बीओ हो, पीसीएस हो, या कोई भी अन्य एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलते हैं आपके, चाहे कंपलसरी पेपर में चाहे आपका जर्नल पेपर में आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 इसमें दिया, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी हो जाएगी आपकी क्रिकेट से संबंधित। पूरा खेल पे एक वीडियो है, उसमें अलग अलग ट्रॉफी आपकी टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, वो सारा का सारा देख लेना, 10 से 15 मिनट का पूरा लिंक करके पढ़ा है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक या दाता है? सार्वभौमिक दाता या सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा इसमें। अगर बात की जाए सर्वग्राही की, सर्वग्राही तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सर्वग्राही होता है आपका ए भी होता है, सर्वदाता होता है यूनिवर्सल डोनर, या सार्वभौमिक दाता ओ आपका इसमें, ठीक है। वर्ग आपके ये कितने हो जाएंगे आपके? 4। किसने इसकी खोज की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो इसके लिए आपको रक्त वाला जो टॉपिक है हमारी प्लेलिस्ट का वो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो इस बार पैट में भी पूछा था आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये है आपकी दूरी की, वहां पे तारा वगैरह दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ए हिंदू ओप लाइफ के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये देखिएगा पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये कहां से थे? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से थे। इनके पिता शिक्षक थे, ये भी जो है एमए के बाद ये शिक्षक बने, उसके बाद ये आपका 1939 में जाके जो बीएचयू है उसके कुलपति बने थे आपके, ये याद रखिएगा। और ये एक दार्शनिक भी है, दार्शनिक, ठीक है। चलिएगा बाकी इनके बारे में आप सभी को जो है डिटेल से जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। इनसे रिलेटेड पुस्तक हर बार पूछी जाती है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड किसकी है भैया आपकी? आपको कमेंट करके बताना इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, ऑप्शन ए चारों ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपके गुन्नार मिर्डाल हो जाएगा आपका, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ये जो है अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी उसमें पूछा भी गया था आपका ये। चलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 25 इसमें एग मार्क का अर्थ क्या है? एग मार्क तो ये है आपका जो खाद्य पदार्थ है उनकी क्वालिटी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 25 का डी ऑप्शन होगा, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह हो जाएगा एग मार्क है। इसके अलावा आपका मिलेगा इको मार्क, है ना, इको मार्क क्या है और आपका होलो मार्क क्या है, ये सारे के सारे मार्क इकोनॉमिक्स की जो मतलब वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा, ये जो टॉपिक वाइज थी हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका भाई 26
भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आप सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी बता दोगे, ये हो जाएगा आपका गुजरात की। अगर बात की जाए इसका पूरा पोस्टमार्टम अगर किया जाए तो ये देख लो 1 मिनट लगेगा बस ज़्यादा से ज़्यादा, और मैप ना बहुत अच्छे से आप देख लेना इसमें। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका भाई गुजरात पहला, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा, और यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, और ये केरल है यहाँ पे, यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा लास्ट में बंगाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने राज्य, 8 है। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की, देख लेना ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। चलिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ओल्ड से, तो चाहे कितना भी पूछा जाएगा इसमें कहीं से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पांडिचेरी एक कॉलोनी थी, तो ये किसकी थी, ये थी भाई आपकी फ्रांसिसियो की, आपकी। भारत में पांडिचेरी आपको बताना कितनी जगह जो है अंकित है, या आपका जो है मतलब कितनी कॉलोनी है अभी भी, ठीक है। चलिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस, यहाँ पे देखिएगा विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स से सूरत, स से सात, और यहाँ पे देखिएगा नरम और गरम दल, ठीक है, वो अलग हो गए थे, और ये जाके कब मिले थे, ये आपके भाई मिले थे 1916 में लखनऊ में अधिवेशन था, जिसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बीच हुआ था, और इसमें नरम और गरम दल जो था वो भी आपका मिला था इसमें, ठीक है। याद रखिएगा इसको अच्छे से, ये हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा सभी टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो ये की गई थी भाई आपकी 1912 में, ये घोषणा कब की गई थी 1911 में, और यहाँ पे देखिएगा अगर बात की जाए बंगाल विभाजन की, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1900 यहाँ पे देखिएगा 12 में देखिएगा ना, इसको जो है रद्द कर दिया गया था कांग्रेस का जो विभाजन था, ठीक है, जब, और उसी समय हुआ था हार्डिंग बम कांड, याद रखिएगा इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका कुलदीप सिंह को, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, तो ये भी देखते जाना किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के कौन से टॉपिक है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कब अपनाया गया, कब जो है हस्ताक्षर हुए, कब आत्मसमर्पित हुआ, कब अंगीकृत किया गया, अगर कोई भी शब्द ऐसा मिले तो आपका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 इसमें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32, माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है, ये जो पुस्तक है आपकी लाल कृष्ण अडवाणी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक, ये हो जाएगी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34, यहाँ पे भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, ये हो जाएगा आपका 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, ये की थी आपकी हेनरी ड्यूनेट ने, किसने की थी, हेनरी ड्यूनेट ने। अगर बात की जाए इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय इसका आपका जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पे है भाई आपका, ये है स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा ना यहाँ पे 15-16 जो आपके मतलब कह सकते हैं संस्था है उनका यहाँ पे मुख्यालय, मौसम का मुख्यालय, और आपका जैसे WTO है ना, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, इनका भी यहीं पे है। इकोनॉमिक्स की जो है एक वीडियो, उसमें पूरा जितने भी मुख्यालय ना 30 से 40 सभी करवाए गए उसमें, देख लेना उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ये हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत क्षरण से, आपका संरक्षण से, ठीक है। और ओजोन परत की अगर बात की जाए तो मोटाई किससे नापी जाती है, ये डाबसन से, किस इकाई से, आपकी डाबसन इकाई से। अगर बात की जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को,
मनाया जाता है 16 सितंबर को इसमें, ठीक है। चलिए, और ये जो टॉपिक है ना, ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, उसका ये टॉपिक है, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, और ये ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। चलिए, यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये देखिएगा, अगर ये बेसिक कर लो आप और ये आपको अच्छे से कर लो ना, तो देखो करंट अफेयर तो आप जो है, अगर मान लो 3-4-5 क्वेश्चन पूछता ना, तो आप जो है 3-4 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से, लेकिन इस पे आप पूरी कमांड करना, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो इसमें तो आप। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है भाई आपका, ये भूकंप का रिएक्टर पैमाना, सिस्मोलॉजी, और जो भारत का जो क्षेत्र है ना, देखिएगा एक सेकेंड, थोड़ा सा लोकेशन, और ये जो है ना आपका, यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे ये जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है आपका, याद रखिएगा इसको। और जैसे आपका ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पे पूरा एक टॉपिक है, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा, लावा, अलग अलग देशों में कौन से ज्वालामुखी है, भूकंप का एक पूरा टॉपिक है, देख लेना अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर ये हो जाएगी आपकी मीरा कुमार, हो जाएगी आपकी मीरा कुमार है, ये कोई और है आपका भाई, ये मीरा कुमार है, देख लेना इसमें अच्छे से, ये पॉलिटिका आपका जो है क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 40, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या है, देखिएगा यहाँ पे, ये क्या है आपका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको हर हाल में, गुमास्ता, तो ये हो जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन होगा इसमें आपका, प्रतिनिधित्व, जो माल खरीदने या बेचने पर जो है लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। कैसे याद करें, जो आपकी शब्दावली है ना, जैसे इतिहास की, मध्यकाल की और प्राचीन भारत की, लिंक करके कर लेना इसमें, देखिएगा गुमास्ता, मस्त आपका, मस्ता, मस्त कौन रहेगा, जो माल खरीदेगा या बेचेगा, ठीक है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें नरेंद्र मोदी जी की जो पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी, देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया था 41 का, देखिए ये हो जाएगा आपका 26 मई 2014, लेकिन उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये पूछा गया था कि जब नरेंद्र मोदी जी ने जो है शपथ ग्रहण की, तो पहली बार जब बने थे प्रधानमंत्री तो ये कहाँ पे गए थे, दूसरी बार बने तो कहाँ पे गए थे, किस देश की यात्रा पर गए थे, वो देख लेना, नोट कर लेना उसको भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 42, यहाँ पे वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था, ये था भाई आपका किसानों के समर्थन में था आपका, किसानों के, खेड़ा जो सत्याग्रह था आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मिल मजदूर आंदोलन था आपका, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, जैसे गांधी जी के जो है ना कुछ आंदोलन है, जैसे अगर देखा जाए इनसे संबंधित, अगर देखा जाए 1915, 16, 17, 18, 19 में क्या हुआ, और इसके अलावा 1920 में क्या हुआ इनसे रिलेटेड, इसके अलावा 1922 में क्या हुआ, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24, ठीक है, 24 में क्या हुआ, और यहाँ पे 30, 32 और आपका 42, इनसे रिलेटेड ये जो है कुछ तिथि है, देख लेना। 1915 में जो है गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, 1916 में देखिएगा गांधी जी जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, वहाँ पे उपस्थित हुए थे, और इनको जो क्या बोलते हैं उसको, बिहार के जो एक राजकुमार शुक्ल थे ना, उन्होंने इसको बुलाया था, और फिर जो है 1917 में बिहार गए और इन्होंने चंपारण का आंदोलन चलाया था, जो नील से संबंधित था, तीन कटिया पद्धति उसी से संबंधित है, खेड़ा आंदोलन चलाया 1918 में, मिल मजदूर आंदोलन चलाया, और 1919 में देखिएगा इन्होंने क्या किया था, अपनी जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। आपको कमेंट करके बताना है कौन सी उपाधि थी आपकी, केसर ए हिंद की उपाधि थी या कोई अन्य थी आपकी, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, 1922 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चोरा चोरी की घटना हो गई थी आपकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 1924 में क्या हुआ, गांधी जी पहली बार या एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने,
और 1930 में इन्होंने सविनय आंदोलन चला, दांडी मार्च है ना, 12 मार्च 1930 को, और 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला जिसमें करो मरो का जो नारा था वो दिया था इन्होंने। और आपको ये पता है कि गांधी जी कांग्रेस से संबंधित आपका जो है इनकी तरफ से जो लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक हुआ था 1930 को, 31 को, 32 को, दूसरा जो वाला था आपका यानी कि 31 का, उसमें भाग लेने गए थे। तो इनसे रिलेटेड यही पूछा जाएगा, बाकी इनकी पुस्तक और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43। बजट 2019-20 के अनुसार दुग्ध उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य है, ये हो जाएगा आपका 2025। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुका है पीसीएस में, तो अभी तक जो है ये करंट का क्वेश्चन बना रहेगा, पिछले कई सालों से भी आपका ये क्वेश्चन करंट का है इसमें। चलिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका यकृत या लीवर हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 45। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है, ये हो जाएगा आपका अरुण जेटली स्टेडियम आपका इसमें, और अभी तो मोदी जी के नाम पे भी आपका जो है स्टेडियम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये दिया है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्सरा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से आपको मिले कहीं ना कहीं, ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा इसमें। और अगर बात की जाए हाइड्रोजन बम की, ये किस पे आधारित होगा, नाभिकीय संलयन पे, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पे। और अगर बात की जाए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जो आपका नाभिकीय विखंडन है ये हो जाएगा परमाणु बम, परमाणु बम किस पे आधारित है, ये हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन पे। और जैसे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में क्या होता है हाइड्रोजन होता है, वो नाभिकीय संलयन पे हो जाएगा। चलिए तो आज का भाई ये जो सोल्ड पेपर था हमने 2020 वाला हमने देखा है अच्छे से, और जितने भी है ना पहले पेपर हो चुके उनको देखते रहना, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आएगा सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, और अगर आपके सब्जेक्ट क्लियर है आपको कुछ नहीं देखना, आप टॉप में आओगे। ठीक है,